अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज वीडियो बन रही है जी, आपको फ्रूट नज़र आ रहे हैं लेकिन मैं इसकी फ्रूट चाट हरगिज़ नहीं बनाने वाली। आज मैं आपको बता रही हूँ एक अच्छा सा फ्रूट मास्क, होममेड मास्क, जो कि स्किन की ग्लो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए मुझे चाहिए 2 एप्पल नॉर्मल साइज़ के, 2 मैंने आड़ू ले लिए हैं, ये बादाम हैं 10 से 15, ये घर की मलाई है, और 3 अदद चाहिए हमें इसके लिए केले। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, ये जो हमारे पास एप्पल और एप्रिकॉट ये पीच है, इसको हम कट कर लेते हैं, इनका अच्छे से छिलका उतार लेते हैं। और इसके छोटे छोटे से हम पीसेस कर लेंगे ताकि जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पार्टिकल्स इसके नहीं रहने चाहिए, उससे जो है आपका जो ये मास्क बनेगा वो तो स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा उसका। और इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। दही का आपको पता है वैसे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है फेस के ऊपर, तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। मैं इनको कट करती हूँ और फिर आपके पास वापस आती हूँ। इसी तरह आप बनाने के भी पीसेस कर लेंगे, इन सब चीज़ों के पीसेस करके फिर मैं आपको उसको बताती हूँ। सबसे पहले जो ये आमंड है मेरे पास, मैं उनको क्रश करूँगी क्योंकि हमने उसका फाइन सा पेस्ट बनाना है, तो मैं इसको इसलिए अलहदा से ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते हैं, ये देखें इसका मैंने बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना दिया है। ये बहुत जरूरी है इस मास्क के लिए, वरना जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है, ये इसको अब हमने बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लिया। अब आते हैं फ्रूट की तरफ। इस सारे फ्रूट को हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये जितना मैंने लिया हुआ है, 2 एप्पल, 2 पीच और 3 बनाना, ये आपका जो है तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए ये आपका बहुत हो जाएगा मास्क। इजीली आप उसको बना के फ्रीज कर दें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये 1 घूंट के करीब जो है वो दूध, ताकि इसका जो है हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकें। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये एक बोल में हम इसको थोड़ा सा लेंगे, 1 स्पून जितना, जितना कि आपके एक टाइम पे ये पूरा हो जाए। 1 स्पून हमने ये फ्रूट मास्क ले लिया, जिसमें है आड़ू, बनाना और एप्पल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ ये जो मेरे पास मैंने बादाम का पाउडर बनाया था अभी, ये एक टाइम के लिए है कि जब आप डेली का यूज़ करते हैं। ये मैं जो आमंड पाउडर है ये फुल मैं मास्क के अंदर मिक्स करके इसको प्रिजर्व करूँगी, और अभी के लिए जो आप बना रहे हैं उसके लिए आप इसमें तकरीबन ये 1/2 स्पून जो है आप इसमें आमंड पाउडर डाल दें, और ये 1 छोटा टीस्पून इसमें आप डाल दें ये मलाई का। और ये मेरे पास है ऑरेंज पील पाउडर, जिसके मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था और कैसे प्रिजर्व कर रही हूँ। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, तो ये आपकी आराम से 1 साल के लिए चल सकती है। इसका मैं वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देखिएगा। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये मास्क हमारा रेडी हो गया, मिक्स करते हैं। देखें इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करें, स्मूथ सर्स का टेक्सचर बन चुका है। आड़ू है इसमें, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज पील पाउडर है, घर की मलाई है और बादाम पाउडर है। और अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने लगी हूँ वो है हनी।
हनी आप कोई भी ले सकते हैं कंपनी की। मेरे पास तो ये प्योर हनी है जो मुझे कहीं से कोई दे गया था, तो मैं इसका ये हाफ स्पून हनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कंपनी की भी ले सकते हैं हनी, क्योंकि ये प्योर है तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन के लिए। और इसमें आप चाहें तो हाफ स्पून दही भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने दूध के साथ शेक बनाया था। ये ज़बरदस्त हमारा मास्क तैयार हो गया, अप्लाई करते हैं। आपने इसको करना कैसे है, आपने अपने फेस पे इसको जो सर्कुलर मोशन में मसाज करना, स्क्रबिंग भी देगा आपको और अच्छा सा मास्क भी है ये। मसाज करना है 5 मिनट सर्कुलर मोशन में, जैसे आप फेशियल के लिए मसाज करते हैं। अच्छे से इसको सर्कल मोशन में मसाज करते रहें। और ये मसाज करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब ये जैसे ड्राई होता है तो मैं फिर आपको इसका दिखाती हूँ। 15 मिनट गुजर गए हैं और ये मास्क मेरा ड्राई हो गया है। अब मैंने क्या करना है कि इसको हल्के हल्के से यूं रगड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी लगा के इसको अच्छे से यूं रगड़ें और उसके बाद आपने इसको कर लेना है वॉश। जी मैंने हाथ कर लिया वॉश और बहुत ही अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आ गया, एकदम ही वाइट सा हैंड मेरा दिखने लग गया है। तो एक तो इसमें हनी है, हनी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और आमंड जो है वो आपके स्किन को वाइट करते हैं, ठीक है। दूध है, ऑरेंज पाउडर है और बनाना है, ये सारा कुछ आपकी स्किन को जो है ग्लोइंग इफेक्ट देता है। लेकिन आपने इसको करना क्या है, डेली यूज़ करना है। डेली यूज़ में जो है आप जब करेंगे तो आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसके रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, अब इसको प्रिजर्व कैसे करना है, ये मैंने एक थोड़ी सी गहरी प्लेट ले लिया, इसमें मैंने ये इस स्मूथ कोट स्मूदर का जो है वो डाल दिया है। तो अब मैं करूँगी क्या कि मैंने जो है इसमें ऐड कर देनी है ये सारी मलाई, 1, 2, 3, 4, 5 तकरीबन 5 टीस्पून मेरे पास ये घर की मलाई है, ये ऐड कर दूँगी। और जो ये ऑरेंज पील पाउडर है इसके मैं 3 टीस्पून ऐड करूँगी, और साथ में जो आमंड पाउडर है इसके मैं तकरीबन 4 टीस्पून ऐड करूँगी। इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो, स्ट्रॉबेरी है अगर जिस सीज़न में होती है आप उसमें बनाएं तो स्ट्रॉबेरी भी फेस के लिए बहुत अच्छी है। अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ। और मैंने मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है कि इसको कर देना है फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद इसके ब्लॉक्स बना के मैंने इसको प्रिजर्व कर लेना है। जब भी आपने यूज़ करना हो आप वो एक ब्लॉक निकालें, उसको मेल्ट होने दें थोड़ी सी देर, और फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ी हनी ऐड कर लें और अपने फेस पर अप्लाई करें। ये बहुत अच्छा स्क्रबर मास्क है, आप इसको बड़े आराम से 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब आपने लगाना हो डेली आप इसको लगा लें। और उसके बाद आपने, लेकिन एक शर्त यह है कि आपने लगाना इसको डेली है तो आप इसका इफेक्ट आप देखेंगे चेहरे पे कि कितना ग्लो करता है चेहरा। तो मैं इसको अब रख रही हूँ फ्रीज़र में और मैं फिर आपको इसके बाद इसका नेक्स्ट बताऊँगी कि मैं इसको किस तरीके से प्रिजर्व करूँगी। मैंने बना के रखा था इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए, फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक्स में कट करके, जितना आपका डेली का यूज़ होता है ब्लॉक्स में कट करके मैंने रख दिया था। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल एक ब्लॉक लें और ये थोड़ी देर बाद जो है ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है और उसके अंदर आपने बस थोड़ी सी हनी ऐड कर देनी है। ये मेरे पास तो प्योर हनी है, आप बाज़ारी भी ले सकते हैं। ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें और ये मास्क आपका रेडी हो गया लगाने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।